अभी जैसे हमने यहाँ पे यूजर कंट्रोल डॉट पी वाई फाइल बना के यूजर से रिलेटेड सारी सारे जो एंड पॉइंट्स है उसे हैंडल करने वाला कोड उस फाइल में डाल दिया और सही इम्पोर्ट स्टेटमेंट लिखने के बाद हमारा वो कोड वर्क करने लगा सो so, हमारे इस कोड को मल्टीपल फाइल्स में डिवाइड करने के बाद अब बारी है हमारे इस कोड को मल्टीपल फोल्डर में डिवाइड करने की क्यों क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हम हर एक एंटिटी के लिए सपोज यूजर इज आइ एंटिटी प्रोडक्ट इज आइ एंटिटी एंड सो ऑन सो हर एक एंटिटी के लिए हम दो तरीके की फाइल्स बनाने वाले हैं कंट्रोलर फाइल्स और मॉडल फाइल्स सो कंट्रोलर फाइल्स के अंदर जैसे मैंने कहा था सिर्फ रिक्वेस्ट हैंडल होगी और ये फंक्शन उस रिक्वेस्ट को सिर्फ मॉडल के अंदर लिखी हुई एक फाइल के अंदर के फंक्शन को मेथड को पास ऑन कर देगा और एक्चुअल बिजनेस लॉजिक हम मॉडल मॉडल टाइप की फाइल्स के अंदर लिखने वाले हैं सो लेट्स डू वन थिंग लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट अ फोल्डर इन आर फ्लास्क ऐप उसको सबसे पहले तो मैं नाम दूंगा कंट्रोलर और उस कंट्रोलर फोल्डर के अंदर में इस यूजर कंट्रोलर और पी वाई फाइल को कट करके यहाँ से इसके अंदर कर दूंगा पेस्ट एक्सटेंशन पाइथन वी एस कोड का एक्सटेंशन वॉन्ट्स टू मेक रिफेक्टरिंग चेंजेस विथ दिसल कोड में ये एक्सटेंशन मौजूद नहीं होगा तो अभी मुझे जो फैसिलिटी मिली वो आपको नहीं मिलेगी क्या फैसिलिटी है यहां पे या फिर फीचर है एप डॉट पी वाई के अंदर ये इंपोर्ट स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली चेंज हो गया पहले यहां पे क्या लिखा था इम्पोर्ट यूजर कंट्रोलर अभी यूजर कंट्रोलर के नए लोकेशन के हिसाब से वीएस कोड ने मेरे लिए या फिर वी कोड के उस पर्टिकुलर प्लग ने मेरे लिए यहाँ पर इम्पोर्ट स्टेटमेंट बदल दिया ये आपको एरर आ सकता है सो ध्यान रखिए आपको नए आपके लोकेशन के हिसाब से यूजर कंट्रोलर के यहाँ का इम्पोर्ट स्टेटमेंट बदलना है अभी यहाँ पे इतना करने के बाद सबसे पहले हम देखते हैं कि भेदर दिस इज वर्किंग और नॉट या फिर और कुछ जरूरी यहाँ पे सो लेट्स अगेन फ्लास्क रन लेट्स गो टू द ब्राउजर और मैं यूजर कंट्रोलर के अंदर का यूजर स्लैश साइन अप को रिक्वेस्ट भेज के देखता हूँ ऑपरेशन एवरीथिंग इज वर्किंग सो यहाँ पे इम्पोर्ट स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया लेकिन चूंकि ऐप इज अ ग्लोबल थिंग ग्लोबल मतलब हमारे वर्चुअल एनवायरमेंट को ऐप क्या है पता है इसलिए मुझे यहाँ पे ऐप का मतलब यहाँ पे चेंज नहीं करना पड़ा ऐप का लोकेशन चेंज नहीं करना पड़ा ऐप मतलब ऐप ऐप मतलब ये ऐप डॉट पी वाई फाइल की वही फ्लास्क समझता है अभी यहां पर यूजर कंट्रोलर जैसे एक और कंट्रोल हम बनाते हैं जिसको सपोज मैं नाम देता हूँ सपोज प्रोडक्ट कंट्रोलर डॉट पी वाई यूजर कंट्रोलर का जो कोड है वो एज इट इज़ में कॉपी करता हूँ प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर और यहाँ यूजर स्लैश साइन अप की जगह मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट्स स्लैश सपोज हम नाम देते हैं उसे ऐड फंक्शन का नाम चेंज करते हैं उसको करते हैं करना ही पड़ेगा सो पी एड ऐसे मैं नाम देता हूँ वो बाद में जाके हम चेंज करेंगे और यहाँ पे दिस इज प्रोडक्ट एड फंक्शन या फिर ऑपरेशन ठीक है सेव द फाइल लेट्स ट्राई टू रिक्वेस्ट प्रोडक्ट स्लैश एड अभी यहाँ पे ही क्यों फाउंड बता रहा है सो प्रोडक्ट स्लैश एड इसमें कुछ जो... आ समझ गया देखो प्रोडक्ट स्लैश एड ये काम ना करने का रीजन ये है कि एप डॉट पी वाई फाइल के अंदर हमने कंट्रोलर तो इंपोर्ट कर दिया लेकिन वैसे ही अभी हमें क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा कंट्रोलर डॉट प्रोडक्ट कंट्रोलर एज प्रोडक्ट कंट्रोलर ये मैंने वापस इंपोर्ट कर दिया दूसरी फाइल भी हमें मैन्युअली इंपोर्ट करनी पड़ी ओके लेट्स ट्राई टू रिफ्रेश द पेज। नाउ दिस प्रोडक्ट दिस इज प्रोडक्ट एड ऑपरेशन इज वर्किंग अभी यहां पे ऐसी हर एक लाइन के ऊपर अगर हम अलग अलग इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखे इट्स मेक नो इट मेक नो सेंस सो यहां पे मैं क्या करूंगा फ्रॉम कंट्रोलर इंपोर्ट प्रोडक्ट कंट्रोलर कॉमा यूजर कंट्रोलर इस तरीके से मैं फाइल्स को इंपोर्ट कर सकता हूं एक ही लाइन के ऊपर